जीटीवी के पॉपुलर शो कुंडले भाग्य के करण लुथरिया यानी कि एक्टर धीरज धूपर अब इस शो के अलावा एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हां, करण के बेहतरीन किरदार को निभाने के बाद अब धीरज अपने नए काम और नए किरदार से फैंस को एंटरटेन करने आ रहे हैं। दरअसल एक्टिंग के अलावा अब धीरज धूपर प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाने वाले हैं। धीरज धूपर जल्द ही जी टीवी के ही अपकमिंग शो को प्रोड्यूस करेंगे। दरअसल धीरज धूपर जी टीवी के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाने वाले हैं। इस फिल्म का नाम होगा येलो। इस शॉर्ट फिल्म में दिखाया जाएगा कि हमारे देश में औरतों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। खास बात यह है कि खुद धीरज धूपर भी इस शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग करते नजर आने वाले हैं। खुद धीरज ने ही इस खबर पर मोहर लगा दी है। अपनी शॉर्ट फिल्म येलो के बारे में बात करते हुए धीरज धूपर ने एक इंटरव्यू में बताया, मैं हमेशा से ही हर तरह का काम करना चाहता था। प्रोड्यूसर बनना मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं जल्द ही प्रोड्यूसर बनने वाला हूँ। इस दौरान मुझे काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। मुझे नई जिम्मेदारियाँ मिलेंगी। मैं इंडिया के टैलेंट को ठीक से शोकेस कर पाऊंगा। हालांकि जी टीवी पर आने वाली धीरज की इस शॉर्ट फिल्म में धीरज किस नए किरदार में नजर आएंगे, इस बारे में फिलहाल कोई ज्यादा जानकारी सामने तो नहीं आई है। लेकिन वाकई उन्हें नए किरदार में देखना, वो भी उनकी खुद की शॉर्ट फिल्म में, बड़ी ट्रीट होने वाली है। धीरज को यकीन है कि एक्टिंग के बाद उनकी प्रोड्यूसर के रूप में ये नई शुरुआत भी कामयाब होगी। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब टीवी के किसी एक्टर ने प्रोडक्शन में हाथ आजमाने की कोशिश की हो। कई टीवी एक्टर ऐसे हैं जो कि मौका पड़ने पर शो प्रोड्यूस कर चुके हैं। इन सितारों ने ये साबित किया है कि प्रोडक्शन के मामले में इनको कोई मात नहीं दे सकता। चंद महीने पहले ही रवि दुबे और सरगुन मेहता ने सीरियल उड़ानियां के जरिए प्रोडक्शन फील्ड में कदम रखा था। रवि दुबे का ये शो टीआरपी लिस्ट में सफलता के झंडे भी गाड़ रहा है। रवि और सरगुन की तरह ही अब धीरज भी प्रोडक्शन में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प रहेगा कि धीरज जिस शॉर्टलिस्ट फिल्म को लेकर आ रहे हैं, जनता को वो कितनी पसंद आती है और इसी के साथ इस शो में धीरज के किरदार को लोग कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। वेल, आप धीरज की इस नई शुरुआत पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? शेयर कीजिएगा अपने जवाब नीचे कॉमेंट सेक्शन में।